ऐसा सबसे पहले कॉफी या चाय गिर गई तो क्या करें? अच्छा कॉफी या चाय गिर गई तो फौरी तौर पे गर्म पानी डाल दें, फौरी तौर पर, फौरन, कभी भी धब्बा पक्का। अच्छा अक्सर जो है हमारी जो अम्मियां वगैरह है वो नमक का नमक लगा के बहुत अच्छा है, लेकिन वो अगर पुराना हो गया है तो नमक लगा दे, लेकिन अगर गर्म पानी डाला तो धब्बा कभी भी पक्का नहीं होगा और वॉश करते ही निकल जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज का धब्बा, किसी भी चीज का धब्बा, फौरन गर्म पानी डाल, फौरन गर्म पानी डालेंगे धब्बा निकल जाएगा। हाँ अगर थोड़ी देर हो गई, पानी नहीं था, आने में देर हो गया, पक्का हो गया, क्या करें? अच्छा पीछे हमारे पास कपड़े भी लटके हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देख रही हूँ चाय कॉफी वाला धब्बा, मुझे तो चॉकलेट है, पता नहीं चल रहा कौन सा है चाय कॉफी वाला, ये लग रहा है कुछ जंग जंग सा है, ये है ये तो जंग लगा हुआ, लेकिन कौन सा है चाय कॉफी वाला, किसी को पता है? नहीं, जिसने लटकाए, जिसने गंदे किए वो बताएं मुझे, मेरी टीम तुम लोगों ने गंदे किए, चाय वाला धब्बा कौन सा है जरा जल्दी से, ये वाला दुपट्टा, दुपट्टे पे लग, हाँ अक्सर गिरती है दुपट्टे पे चाय कॉफी, ये दुपट्टे पे लगी। अच्छा इसके लिए अगर पुराना धब्बा हो गया है तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसी चीज हम बनाएंगे जो हर तरह के धब्बे के लिए, अच्छा उसको बना के आप रख भी सकते हैं, अच्छा और ये लाजमी होनी चाहिए। इसमें हम आपने लिक्विड सोप लिया जो हम जिससे कपड़े धोते, जिससे कपड़े धोते, अगर अच्छा अगर हम पाउडर से कपड़े धोते हैं तो उसको पानी में मिला लें, नहीं लेकिन लिक्विड सोप देना है, लिक्विड सोप जो ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, उसका कलर जो है वो बर्तन धोने वाला या हाथ धोने वाला, कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला लिक्विड भी होता है, बिल्कुल लिक्विड वॉश, और नहीं तो फिर बर्तन धोने वाला ले लें। अच्छा नहीं तो बर्तन धोने वाला, ठीक। अच्छा इसमें क्या किया आपने, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने डाला सोप, हाइड्रोजन परऑक्साइड 1 टीस्पून, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो 1 टेबलस्पून, ये बोतल मिल जाती है आराम से, 1 टीस्पून ये दवाइयों की दुकान से भी मिल जाएगी, परचून की दुकान। इसमें हमने डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनेगा। बेकिंग पाउडर कितना डाले? इतना डालेंगे पेस्ट बन जाए, ठीक है। अब इसको जो भी धब्बा है ये आपने बना के रख लिया, स्टोर कर लिया, जो भी धब्बा है उसके ऊपर आपने इसको लगाना है, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं लगा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये चाय का धब्बा, इसको हम डबल कर ले, चाय कॉफी कोई भी धब्बा, बिल्कुल। अच्छा ये फॉरेन वाला है, देखिए कोई भी चीज इसको लगा के 15 मिनट तो छोड़ना है आपने, अच्छा, और 15 मिनट के बाद धब्बे उतर जाएंगे। अच्छा इस तरह ब्रश से लगा, इस तरह लगाएंगे उसको पूरा ना, अच्छी तरह से थिक पेस्ट लगाएंगे। अच्छा थिक पेस्ट, थिक। आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाया, आपने बेकिंग सोडा मिलाया और लिक्विड सोप जिससे बर्तन धुलते हैं या फिर कपड़े धुलते हैं, बिल्कुल, और उसको आपने लगा के इस तरह रख दिया है, ठीक है। और अगर बहुत पुराना धब्बा हो गया तो उसको धूप में रखें, अच्छा धूप में रखेंगे और आधे घंटे के बाद धोएंगे आप, धब्बा साफ हो जाएगा। अच्छा अगर अभी अभी फर्ज करें चाय गिरी है तो आपने गर्म पानी डाला पहले, बस, और फिर तो आपने फौरन ये मिक्स करके वॉश कर लिया, अच्छा सही है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा जैसे आप मेहमान बन के कहीं गए और देर वहाँ चाय गिरी है, फिर आप घर पे आके अपने कपड़े चेंज किए, बिल्कुल, तो फिर आप ये कर ले, उसको थोड़ी देर धूप में रख देंगे। अच्छा इसको हम रखेंगे, अब थोड़ी देर बाद धोएंगे तो धब्बा उतर चुकेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का धब्बा हो। अच्छा व्हाइट चीज को धोने का फायदा मतलब ये होता है कि हम ब्लीच से धो सकते हैं, अच्छा व्हाइट, लेकिन कलर वाले जो कपड़े हैं, कलर कपड़े जो है उसको हम नहीं वॉश करते, यही चीज अगर हम कलर कपड़े में करेंगे तो कोई मसला नहीं, कलर के लिए होता है, इसलिए व्हाइट को हम ब्लीच में डालेंगे साफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, पिंक का धब्बा इसको हम थोड़ी देर बाद धो लेंगे, हाँ।